ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के सलाहकार कमाल खराजी ने इसराइल और परमाणु हमले को लेकर नया बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर तेहरान को अपने अस्तित्व पर खतरा महसूस होता है तो ईरान के परमाणु सिद्धांत में बदलाव करने की संभावना है। खराजी ने ईरान समर्थक एक ब्रॉडकास्टर चैनल अल मायरीन से बातचीत में कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने की तकनीकी क्षमता है, लेकिन इस समय सर्वोच्च नेता के फतवे के कारण ईरान ने इसे रोक रखा है। दरअसल सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने 2000 के दशक की शुरुआत में परमाणु हथियारों को बनाने पर रोक लगाने के आदेश दिए थे और 2019 में इसे दोहराते हुए उन्होंने कहा था कि परमाणु बम बनाना और उसका भंडारण करना गलत है और ये इस्लाम में निषेध है। हालांकि ईरान के पास अभी भी परमाणु तकनीक मौजूद है, लेकिन उसने इससे बचने का संकल्प लिया है। ईरानी अधिकारियों ने समय समय पर अपने परमाणु सिद्धांतों में बदलाव की चेतावनी दी है। खराजी ने यह भी कहा कि ईरान इसराइल के किसी भी हमले का सही समय और उचित तरीके से जवाब देगा और जरूरत पड़ने पर ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज को भी बढ़ा सकता है। खराजी के इस बयान से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ गया है, साथ ही क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं और गहरी हो गई हैं। अब पूरी दुनिया में इस बयान ने नई बहस छेड़ दी है। बता दें कि इस बीच इसराइल द्वारा लेबनान के पूर्वोत्तर हिस्से में किए गए हवाई हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। यह हमला पिछले महीने इसराइल और लेबनानी चरमपंथी समूह हिजबुल्ला के बीच बढ़ते संघर्ष के बाद का सबसे घातक हमला है। इजरायली सेना ने कहा कि उसका अभियान हिजबुल्ला के सैन्य ढांचे को निशाना बनाने पर केंद्रित है। वहीं लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी ने जानकारी दी कि देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न गांवों पर 4 हवाई हमले हुए हैं। बचाव दल अभी भी बेका घाटी के कस्बे यूनीन में मलबे में दबे लोगों की तलाश कर रहा है। लेबनानी सांसद हुसैन हज हसन के मुताबिक इजरायली बमबारी के कारण करीब 60,000 लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं और सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। लेबनान के अलावा बीते दिनों इसराइल ने गजा पर हमला किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने गाजा के बेत लाहिया में आवासीय भवनों पर भीषण बमबारी की थी, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। देर रात हुए इस हमले में लोग सोते सोते ही जिंदा दफन हो गए। गाजा में पिछले 3 महीने के भीतर ये सबसे घातक हमला माना जा रहा था। इसराइल के एक ही हमले में लाशों का अंबार देखकर अमेरिका भी सहम गया था। उसने इस हमले को सबसे भयावह हमला कहा था।